मत सोचिएगा कि ये तो नॉट डिफाइन हो गया, आप इसको इक्वल टू लैम्डा मानोगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा, वाई का वैल्यू 2, जेड का वैल्यू 2 लैम्डा। नाउ यू कैन प्रोसीड। चलिए बेटा देखो, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ना। वन सेकेंड लेंगे बेटा, अभी पढ़ा रहे ना अभी तो। तो सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, और ध्यान से देखने का है। देखो बेटा, मान लीजिए कोई लाइन है अपने पास, और ये लाइन पास करती है किसी पॉइंट ए से, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो मान लीजिए हैं ए, बी और सी, समझे? तो इस लाइन का अगर हमें इक्वेशन लिखना है, वो ध्यान से समझिएगा। मैंने एक पॉइंट आर लिया, एक्स वाई जेड, दैट इज अ जनरल पॉइंट, है ना। तो यहां से क्लियर है कि ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। सही बात है, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो सेम होंगे, है ना, तो उनका रेशो सेम होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो कि एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर जेड माइनस जेड वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन क्या है, इस लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशो, और ए बी सी इस डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशो, में दोनों का रेशो सेम होगा, पैरेलल है। तो ये अपने को क्या मिली है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, मतलब लाइन की इक्वेशन जो अपन लोग लिखते हैं वेक्टर में, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म थी। ये क्या है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म। ना यहां से भी कह सकते थे अपन की r वेक्टर माइनस a वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा b वेक्टर, मतलब r वेक्टर माइनस a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन रेशो का रेशो बराबर होगा। तो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ये क्या है, एक लाइन का इक्वेशन जो x1 y1 z1 से पास करता है, और जिसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन रेशोस क्या है, a b c, है ना। डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। इसमें और देखिए, इफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट x1 y1 z1, अगर कोई लाइन x1 y1 z1 से पास कर रही थी पहले ही, पासेस थ्रू टू पॉइंट, पहला पॉइंट है x1 y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2 z, और ऐसा है कि अपनी लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है और दोनों के कोऑर्डिनेट मालूम है, तो इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस। देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 क्या है, डायरेक्शन रेशोज, है ना। तो इन दोनों फॉर्मेट को अपने को याद रखना है। इसमें एक चीज देखिए, देखो एक बात समझना जरूरी है, गलती मत करिएगा। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है और ये पास करती है पॉइंट 1, 2, 3 से, ठीक है। मान लीजिए जिसके डायरेक्शन रेशो है 1, 0, 2, क्या है डायरेक्शन रेशो, 1, 0, 2, तो इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 1 अपॉन 1, y माइनस 2 अपॉन 0, z माइनस 3 अपॉन 2, सही है। तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि 0 नीचे कैसे आ गया, ठीक है ना। 0 नीचे आने का मतलब केवल यही है कि 1, 0 और 2 क्या है, उसके डायरेक्शन रेशो, क्लियर बात। तो इसको मत सोचिएगा कि ये तो नॉट डिफाइन हो गया, आप इसको इक्वल टू लैम्डा मानोगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा, y का वैल्यू 2,
गेट का वैल्यू 2 लैम्डा। नाउ यू कैन प्रोसीड प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में 0 इसमें आ सकता है, वो डिनोट अलग चीज करता है, वो एलजेब्रिक नहीं है। लिख लीजिए पूरा क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। अपना टेस्ट मंडे को हो गया, बताए ना। मेरे पास मैसेज आया था कि टेस्ट 28 को है, बाकी और पता कर लेंगे। तक कुछ होगा तो मालूम पड़ जाएगा अपने को, कोई टेंशन नहीं है। चलो उठे और क्या कर सकते हैं। नहीं इतना डिले फिर सिलेबस चेंज हो जाएगा ना। चलिए लिख लिया, फटाफट लिखिए, बेटा टाइम कम है आपके पास। मैं पहले भी कहा है आपसे, 5 पर तो अलग ही रहते हैं, कुछ क्वेश्चन कॉमन रहते हैं जो कॉमन सिलेबस में, कॉमन सिलेबस के बेटा सेम रहते हैं, कहता ना कुछ क्या होगा। लेकिन टाइम तो सेम रहता है ना आपका, टाइमिंग तो सेम रहता है ना, तो कुछ मतलब ही नहीं है। वो तो अंदर ही होता है, वो तो एक्स में भी होता है। नहीं है? मैं एक्स की बोल रहा हूँ, सेम सेम टाइमिंग पे अगर पेपर होगा तो क्वेश्चन क्वेश्चन कॉमन होते हैं, नेचुरल बात। तो अपनी मर्जी से दे दो तो कोई बात नहीं, नहीं तो ले तो लूंगा ही। पहले मुझे खुश करो, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, मस्त आलू के परोठे बनाओ शानदार। पहले मैं खाऊंगा फिर मैं चोरी करूंगा। सिमेट्रिकल फॉर्म थी, आप समझिएगा ध्यान से। इसमें एक होती है अनसिमेट्रिकल फॉर्म, तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म। अब बहुत ध्यान से सुनना है ना, क्या है कि बातें ना करो है ना, तो क्या है एकदम से उड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने क्या बनाई है, दो प्लेन है ना, ये है प्लेन P1 और ये है प्लेन P। मतलब प्लेन P1 है अपने पास A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0, और प्लेन P2 है अपने पास A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0। अब क्या होता है कि हम इस तरह से लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। कैसे लिखते हैं वो समझिएगा। A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0 इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2। दोनों को हमने इस तरह से इक्वेट कर दिया। तो बेसिकली इस पूरे इक्वेशन को हम कहते हैं कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना। लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक प्लेन। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दूसरा प्लेन। तो बेसिकली ये पूरा इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है कि एक्स और वाई, जो एक्स वाई इसमें है वही एक्स वाई उसमें है, और जो भी पॉइंट्स हैं वो दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से क्या बनता है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो बेसिकली ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, दो प्लेन का, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनती है उसे रिप्रेजेंट करती है। तो हमने इस लाइन का इक्वेशन डायरेक्ट नहीं लिखा, हमने कैसे लिख दिया, दोनों प्लेन के इक्वेशन को कंबाइन करके लिख दिया, बोल दिया कि एक लाइन की इक्वेशन है, बिकॉज दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उससे एक लाइन फॉर्म होगी। अब अपने को इसका निकालना है सिमेट्रिकल फॉर्म, क्या निकालना है बहुत ध्यान से समझिएगा। समझ में आ गया सबको, अब समझना है अपने को कि सिमेट्रिकल बनाना है। तो देखो चूंकि दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, लाइन के ऊपर एक पॉइंट है ना, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए। अब पॉइंट कैसे निकालेंगे, भाई दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कोई एक कोऑर्डिनेट फिक्स कर दो, कोई भी एक कोऑर्डिनेट जो तुम्हारा मन हो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया जेड बराबर 0, रखो पहले में प्लेन में क्या आएगा, A1x और दूसरे में, दोनों को अपन ने सॉल्व कर लिया, मान लिया कि एक्स का वैल्यू आया X1, वाई का वैल्यू आया Y1। दो पॉइंट का मिला बेटा X1, Y1 और 0, सही है। आप चाहते तो Y को भी 0 रख सकते थे, X को भी 0 रख सकते थे, 1 2 3 कुछ भी रख सकते, कोई इशू नहीं है, एक पॉइंट फिक्स करना है बस। तो एक पॉइंट तो आ गया,
आपका चाहिए मुझे इसका डायरेक्शन। कल बताया था मैंने कि ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है वो दोनों नॉर्मल के क्या होती है, दोनों नॉर्मल के क्रॉस के पैरेलल है ना। इसका मतलब अब जैसे ये है और ये है ना, जैसे एन वन वैक्टर क्या है, ए वन आई कैप, बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, ठीक है। और एन टू वैक्टर क्या है, ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। तो अपनी लाइन का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, एन वन क्रॉस एन टू, निकाल दोगे ये तो, दोनों का क्रॉस लेके लिख लोगे। मान लो ये अपने पास आ रहा है सॉल्व करके, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। ये आ गया लाइन का डायरेक्शन। और ये क्या था पॉइंट, क्या होगी सिमेट्रिकल फॉर्म, देखिए एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जीरो अपॉन कैपिटल ए, दैट विल बी द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। पॉइंट मालूम, डायरेक्शन मालूम, बोलो। प्लेन जेड इक्वल टू जीरो क्या है, जेड सोचो, एक्स वाई प्लेन, वो तभी होगा जब प्लेन एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो। लोग क्या होगा, जेड इक्वल टू समथिंग, जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 6, तो वैसे भी जेड का वैल्यू फिक्स हो गया ना उसमें, जेड के जीरो पर रख ही नहीं सकते, कुछ और रख देना फिर। लिखो जल्दी लिखो उसको, देखो अपने को एक पॉइंट चाहिए, अब दो प्लेन तो इनफाइनाइट पॉइंट पर काटेंगे, सारे तो नहीं निकाल सकते, तो भाई कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट फिक्स करो, चाहे एक्स को फिक्स कर दो, चाहे वाई को, चाहे जेड को, एक फिक्स करके बाकी दोनों निकाल दो। तो अपने को एक पॉइंट चाहिए बस, जनरली तो करेगा ही ना, अगर एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होगा तब नहीं करेगा, है ना, ये पार्टिकुलर केस हो गया, जनरली तो करेगा। वरना वाई को जीरो रख दो, जो रख सको, एक्स को जीरो रख दो, वन रख दो, टू रख दो, कुछ भी रख दो किसी के कोऑर्डिनेट को, अपने को पॉइंट निकालना है ना, कैसे भी निकाल दो, उससे कोई समस्या नहीं है, पर एक कोऑर्डिनेट फिक्स करना। लिख लिया, मेरे जल्दी लिखा करो ना, बातें बहुत करते हो तुम लोग। ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म के और सिमेट्रिकल निकाल रहे हैं जो अपने पहले पढ़ी थी। हाँ इक्वल टू जीरो तो करना पड़ेगा, जीरो कहां से आ जाएगा, इक्वल टू जीरो तो ठीक ही है यार, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है तो एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू वाई भी तो लिख सकते हैं, वो तो ठीक ही है। कल दूं नेक्स्ट, अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ध्यान से करिएगा, करिए बेटा, इसका सिमेट्रिकल फॉर्म निकालिए। क्या कंडीशन है, प्लेन दिए तो, दोनों दिए तो तुम्हें, जेड को जीरो रख के देखो एक्स वाई निकल रहा है तो बढ़िया है, निकलने को तो अपने आप निकलेगा। चीजों को सिंपल रखो, आइंस्टीन नहीं बनने का। हो गया, पहले आपने क्या है, देख लो जेड को जीरो रख लो तो एक्स प्लस वाई बराबर 8 और 3x माइनस वाई बराबर 12, क्या आया पॉइंट 5, 3, 0 पॉइंट आ गया। अब डायरेक्शन रेशो की बात है तो वो ऐसे निकालोगे ना, आई कैप जे कैप के कैप, ना 1, 1, -2, 3, -1, 4, सही है, क्या आया बताओ, माइनस, हाँ
टू हटा दो, कोई मतलब नहीं, फिर भी चलो ठीक है। क्या इक्वेशन आएगा, एक्स माइनस फाइव अपॉन टू, वाई माइनस थ्री अपॉन जेड माइनस जीरो अपॉन माइनस फोर। बोलिए, सब पैरामीटर समझ में है ना, आसान है एकदम, यही तरीका रहेगा। ठीक, करिए वाला प्रश्न। इसमें प्लेन तीन पॉइंट से पास कर रहा है, तीनों पॉइंट मालूम है, और ए बी कोई भी लाइन है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, या है ये नहीं पता है। सब लोग आना, फिर पूरे टेस्ट लेके जाना। कब जा रहे हैं? इसलिए इसलिए खास कहाँ पे यूरोन से तू कहाँ जा रहे हैं? हाँ चले जाना, तो कितने दिन भी जा रहा है, ठीक है, मूड फ्रेश हो जाएगा। जाओ मूड फ्रेश करके आओगे ना, जरूरी है, तुम सटक रहे हो धीरे धीरे। आज जाओ घर, मिलजुल के आओ, जैसे क्या पता आईटी हो गई लेकिन तुम भी सरक गए, तो आईटी हो गई, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद देखा कहाँ गया ये, फिर उसी कमरे में बैठा है, फिर मैथ्स पढ़ रहा है। तुम बेटा आप क्यों पढ़ रहे हो? अरे पेपर आईटी का देना है। अरे हो गया पेपर? नहीं अभी नहीं हुआ। अरे बेटा तेरे रैंक आ गई, तू सिलेक्ट हो गया? नहीं, आप लोग बाहर जाइए रिश्ते मत करिए। ऐसे जाने से कोई फायदा नहीं है, ध्यान रखना। हेल्थ हेल्थ और माइंड एकदम सही रहना चाहिए हमेशा, मेरे पैसे का कोई मतलब नहीं है, वेस्ट, उतना ही करो जितना क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं। ये सब बोलते हैं ना लोग, 8 घंटे पढ़ते हैं, 20 घंटे पढ़ते हैं, हम ऐसा कर देते हैं, मतलब सब कहने सुनने की बात है, कुछ नहीं होता है, वो सब इंसान है ना यार, सब अपने आप को महान, मैं महान हूँ, बचपन से था, सब देखा की बात है, मेहनत करते हैं, ये तो बात नहीं है, सब मेहनत करते हैं, ये उतना ही करो जितना कर सकते हो। क्या दुखी रहता है क्या आजकल? तो मन में बोलता रहता है, मन में बोलता है, आवाज यहाँ तक आती है, तो तेरी आवाज लग रही थी यार भाई, संभाल ले उसको यार, दोस्त है दूसरा। करिए बेटा क्वेश्चन। ए बी परपेंडिकुलर दिया नहीं है प्रश्न में, समझे, मतलब मान मत लेना कि ए बी परपेंडिकुलर, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, यू डू व्हाट यू। बोले फिर से आ रहा, सुधर 4 घंटे सोता है, तू कितने घंटे सोया है? 5? कब सोया था? 12 बजे। फिर कब उठा? 6:30। क्या कर रहा था 1 बजे तक? पढ़ाई? आपका जीवन में जल्दी करिए, जल्दी करिए फटाफट क्वेश्चन ना, टाइम जा रहा है अपना, आज नहीं हो पाएगा 3D खत्म। देयर इज नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा चेक। वैसे भी आज 5वीं क्लास है, चौथी है, 5वीं ना, पी क्यू पी आर का क्रॉस लेके पी क्यू क्रॉस नॉर्मल आ गया, पॉइंट मानो हो पी आ गए क्वेश्चन, ये फटाफट फटाफट उससे भी आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाउ विल यू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी विद द प्लेन? राइट द इक्वेशन ऑफ ए बी इन सिमेट्रिक फॉर्म।
assume lambda equal to lambda and assume a point on it. And if it is a point of intersection, it will satisfy the equation of plane. इसमें सबसे पहले आपको निकालना है प्लेन का इक्वेशन. तो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं ना कि x माइनस एक्स वन, याद है x2 माइनस एक्स वन ना कराया था मैंने, x2 माइनस एक्स वन और x3 माइनस एक्स वन. ऐसे ही y माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, y2 माइनस वाई वन, y3 माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन और जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से आप सॉल्व करके निकालेंगे तो यू विल गेट अ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू जीरो. दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. पहला काम तो हो गया. अब बाबू दूसरा काम क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी विद द प्लेन. ए बी एक लाइन है तो अपन क्या करते हैं, लिखते हैं ए बी का इक्वेशन. देखो सब लोग कॉन्सेप्चुअल है. एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाय सेवन माइनस थ्री फोर, वाई माइनस टू अपॉन जीरो माइनस टू, जेड माइनस फोर अपॉन माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव. ये मैंने ए बी का इक्वेशन लिखा सिमेट्रिक फॉर्म. अब मैंने माना कि इक्वल टू लैम्डा. तो यहां से क्या आएगा, कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, फोर लैम्डा प्लस थ्री माइनस टू लैम्डा प्लस टू माइनस फाइव लैम्डा प्लस फोर. तो ये आ गया एक जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, है ना. अब अगर ये पॉइंट यही वाला पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है प्लेन को, तो ये प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो यहां से आएगा 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा प्लस 2, सही है ना, x इक्वल टू y होगा. तो 6 लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 ना, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस 1 बाई 6 लैम्डा आ गया. लैम्डा उठा के वापस इसमें रखेंगे तो वी विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. देखिए माइनस 1 बाई 6 माइनस 4 बाई 6 माइनस 2 बाई 3, 3 माइनस 2 बाई 3 आ रहा है आंसर, 3 माइनस 2 बाई 3, नो माइनस 2, 7 बाई 3, 7 बाई 3, ठीक है. ये आ गया सेकंड वाला काम. अब थर्ड वाला क्या है, इमेज ऑफ ए. इमेज ऑफ ए, ए पॉइंट मालूम है, प्लेन का इक्वेशन मालूम है, इमेज निकालना है. मिरर इमेज फार्मूला लिखवाया था मैंने क्लास में, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी बराबर माइनस टू टाइम्स, याद है. अप्लाई करिए निकालिए. पॉइंट है 2 3 4, चेक करिए. लो बेटा लैम्डा की वैल्यू रखो तो सही, माइनस फाइव लैम्डा प्लस फोर सही लिखा है ना, वो तो लैम्डा तो नेगेटिव आया है अपने पास. माइनस रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 5 बाई 6 24 29, चेक कर लो एक बार और, 29 बाई 6 आएगा बेटा फिर, ठीक है. कर दू चेंज, करिए. थर्ड वाला निकालिए पहले आंसर, वेरीफाई करिए इसको. 2 3 4 मिरर इमेज. अब फोर्थ वाला, इसमें देखिए इमेज ऑफ लाइन ए बी इन द प्लेन कैसे करेंगे. देखो जैसे बेटा, मैं अगले पेज पर समझा रहा हूँ, ठीक है ना. जैसे ये कोई प्लेन है, ठीक है, और ये अपनी कोई लाइन है. मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है. अच्छा, ए बी का मिरर इमेज लूंगा मैं प्लेन के अबाउट, तो क्या होगा, ए का मिरर इमेज आपने लिया होगा, मान लीजिए ए का मिरर इमेज आया, बी का आपने लिया होगा मिरर इमेज, मान लीजिए बी का मिरर इमेज आया. अब बी डैश और ए डैश को अगर मैं मैच कर दूं, मिला दूं, ए जो बनेगा ये क्या होगा, ये जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, ए बी का मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू प्लेन. ये वाला पॉइंट तो सेम रहेगा, जहां पहले काट रही थी वहीं काटेगी. ए का मिरर इमेज अभी आपने निकाला है 2 3 4, ये पॉइंट अभी हमने निकाला था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 7 बाई 3 और 29 बटे 6. दो पॉइंट मालूम है, यू कैन राइट द इक्वेशन, है ना. तो ये है फोर्थ पार्ट, फोर्थ है फिफ्थ है, इक्वेशन ऑफ मिरर इमेज ना.
एक्स माइनस टू अपॉन 7/3 माइनस टू, वाई माइनस थ्री अपॉन 7/3 माइनस फोर, थ्री, जेड माइनस फोर अपॉन 29/6 माइनस फोर। देख लीजिए एक बार, मिरर इमेज ऑफ अ लाइन विद रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। अगर मान लो इस लाइन पे हमें ए और बी नहीं मालूम होते, तो हम इस लाइन पर कोई भी दो पॉइंट ले लेते, एनी टू पॉइंट ऑन दिस लाइन, लैम्डा को जीरो रख देते, लैम्डा को वन रख देते, पॉइंट मिल जाते, उन पॉइंट का मिरर इमेज ले लेते लाइन के अबाउट, स्क्रीन के अबाउट। जैसे ये लाइन है, तो अपन ने पहले लाइन की इक्वेशन लिखी है, एक्स माइनस वन अपॉन वन, वाई माइनस वन अपॉन माइनस वन, जेड माइनस जीरो अपॉन टू, लेट्स अज्यूम इट इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहाँ से पॉइंट क्या आएगा, लैम्डा प्लस वन माइनस लैम्डा प्लस वन और टू लैम्डा, ठीक है, इट रिप्रेजेंट एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक, अब मान लिया कि यही कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के, किसी पार्टिकुलर लैम्डा के लिए, तो अपन लिखेंगे सबसे पहले पी एन वैक्टर, क्या आएगा, लैम्डा प्लस वन माइनस जीरो आई कैप, माइनस लैम्डा प्लस वन माइनस वन जे कैप, टू लैम्डा माइनस टू के कैप। ये अपने पास आ गया पी एन वैक्टर। अब चूंकि अगर ये एन पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो पी एन वैक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू लाइन। इसका मतलब पी एन वैक्टर डॉट का डायरेक्शन क्या है, आई माइनस जे प्लस टू के कैप, डॉट जीरो होगा, डॉट करते हैं तो ये बनेगा लैम्डा प्लस वन माइनस माइनस लैम्डा प्लस टू, टू लैम्डा माइनस टू बराबर जीरो, सही है ना। अब यहां से सॉल्व कर लो, लैम्डा प्लस वन प्लस लैम्डा प्लस फोर लैम्डा माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, चार पांच छ, सिक्स लैम्डा इक्वल टू थ्री है, लैम्डा इक्वल्स टू वन बाई, लैम्डा वन बाई टू आ गया, लैम्डा उठा के यहाँ रखिएगा तो आएगा अपने पास एन पॉइंट, क्या आएगा बताओ, वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू, वन माइनस वन बाई टू वन बाई टू और ये वन, सही है, ये आ गया पहला काम, पहला काम यही था एन निकाल। अब दूसरा काम क्या है बोलो, दूसरे काम में अपने को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ पी एन, एन मालूम पी मालूम, तो वी कैन राइट द इक्वेशन नाउ, एक्स माइनस क्या था जीरो अपॉन थ्री बाई टू माइनस जीरो, y माइनस वन अपॉन वन बाई टू माइनस वन माइनस हाफ, जेड माइनस टू अपॉन वन माइनस टू माइनस, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड में क्या करना है, इमेज ऑफ पॉइंट P इन लाइन, बताओ इमेज कैसे निकालोगे बेटा, नहीं फार्मूला वो प्लेन के लिए है, लाइन के लिए कोई फार्मूला नहीं है। मान लो यहां बनेगा, ये तो मिरर इमेज हो गया ना, ये मिड पॉइंट हो गया इन दोनों का, तो एक्स प्लस जीरो अपॉन टू बराबर थ्री बाई टू, वाई प्लस वन अपॉन टू बराबर वन बाई टू, और जेड प्लस टू अपॉन टू बराबर वन। तो यहां से देख लो बेटा कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, थ्री जीरो जीरो, That is the mirror image of point P with respect to given line, है ना? Pure conceptual है ना, कहीं भी ऐसा नहीं है कि सोच के अपन कर सकते। Length of perpendicular that will be PN vector का मॉड, है ना? तो PN vector अपन निकाले हैं, point निकाले, distance निकाल देते हैं, और क्या है, 9/4 वन बाई फोर, वन कितना आएगा देख लो, 10/4, 5/2, 7/2, देख लीजिए लिख लीजिए। वेक्टर में क्या होना था डिस्कस, कौन तो हो गया था ओ टू जे मिन्स, ठीक लगवाई दी है मैंने, अभी कल तो वो 3D थोड़ा सॉल्व कराएंगे, 15-20 मिनट आधा घंटे का 3D है, फिर
फिर वो डिस्कशन कर लेंगे अपन, वेक्टर का फिर मैं बोल दूंगा O1 J मेन और S1 ही बोल दूंगा। तो आज तो करोगे ना कुछ, एटलीस्ट कल डिस्कस। हाँ O1 J में S1 कर लेना तो कल डिस्कस हो जाएगा, तो ठीक है पूरा डिस्कशन आगे निकल जाएगा, मैट्राइसिस अपना हो ही गया और इसमें वेक्टर थोड़ा सा हो जाएगा, TD अपनी चली रही है, TD में उतनी दिक्कत नहीं आएगी मेरे को लगता है जब शीट सॉल्व करोगे तो, TD स्ट्रेट है नहीं, TD मैट्रिक्स में अंतर है, मैट्रिक्स में इमेजिनेशन नहीं है, TD में इमेजिनेशन है, मैट्रिक्स को तब बना सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्स अभी देखिए कौन सा साल का था, वो किस ईयर का था, किस देखिए हो गया ही मिटा, नेक्स्ट कर दूं है ना, ये सारे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हैं, मेंस में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इनके ऊपर ना, ध्यान से करिए उनको। वैसे बता दूंगा कि O2 S1 JEE मेंस में टिक्ड क्वेश्चन है, वही करने हैं उनको बता दूंगा, लेकिन आप भी याद दिला देना उनको स्टार्टिंग में से डिस्कशन में ये चीजें हैं, तो अपने हिसाब से कर लेंगे। तो CD एंड करके कल ही कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाएगा, मजेदार है, दर्दनाक भी है, दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं इंटीग्रेशन बोरिंग है, बोरिंग नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, अगर अप्रोच आप कोऑर्डिनेट वाली रखोगे तो घिस घिसा के हो ही जाएगा, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से करने का है तो फंसोगे, प्रैक्टिस चाहिए उसमें, अच्छा वेरिएशन है, स्टार्टिंग में बेसिक आएगा, मॉड्यूलर्स आर्ग्यूमेंट वगैरह चीजें बेसिक आएंगी स्टार्टिंग में 3 लेक्चर में, अच्छे से समझना। और क्या देखो वो था ना कल वाला प्रश्न, देखो उसमें जो पहला ऑप्शन था उसमें क्या आया था, एफ बराबर पीईपी पी स्क्वायर इक्वल टू आई, तो अपन ने प्रूव कर दिया होगा मल्टीप्लाई कर करोगे और डिटरमिनेंट ऑफ पी का वैल्यू 0 आएगा। अब क्या है इसमें एफ है ना, एफ की जगह आपने पीईपी रख दिया तो क्या है पी स्क्वायर तो आई हो गया और ई आ गया कॉमन, डिटरमिनेंट ऑफ ई 0 है, मतलब पहले ऑप्शन का इस्तेमाल किया है दूसरे ऑप्शन में, इसमें इसको इसके बराबर देखना था ना अपने को, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ई 0 है, पूरा 0 हो गया, यहाँ भी एफ की जगह पी पी रख दो तो ई आ जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल प्रूव हो जाएगी। ये वाला प्रश्न हो रहा है क्या है, द डिस्टेंस पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन मेजर पैरेलल टू द लाइन, देखो विल सी ये है अपना प्लेन और ये कोई लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो है 2, 3, 6, -6, ठीक है। अब अपना ये पॉइंट है, क्या है पॉइंट अपना, 1, 0, -3, मान लीजिए ये पॉइंट है 1, 0, -3, अब वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस प्लेन मेजर अलोंग दिस लाइन, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट लाइक दिस, सही है, जहां पर ये काटेगा ये पॉइंट अपने को चाहिए, पहले ये बात बताओ है ना। अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोस तो इसके भी वो ही होंगे 2, 3, -6, तो इसका इक्वेशन होगा x -1/2, y -0/3, z+3/-6, इक्वल टू लैम्डा मान लें ताकि ये पॉइंट क्या, ताकि ये पॉइंट आ जाए, कितना आएगा ये 2λ+1, तुम लोग क्या कर रहे थे, नहीं तुम 9th यही लिखी है ना, अपन निकालना तो यही है बेटा, और ये पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हो जाएगा कम। अब देख लो जैसे मैंने पॉइंट निकाला, पहले देख लो पूरा ये पॉइंट क्या माना है मैंने Q, ये कहाँ लाई करता है प्लेन के ऊपर, सेटिस्फाई करा दो तो 2λ+1 -3λ+6λ+3 = 0 बराबर 9 सॉरी, तो 6 और 8 -3 = 5λ और 3 और 1 = 4, 9 - 4 = 5, कितना आ गया लैम्डा बराबर 1, ठीक लैम्डा अच्छा है, लैम्डा यहाँ आ गया रख दो तो पॉइंट क्यू क्या आएगा देख लो 3, 3 - 9 ना कैपिटल लिखी, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट मालूम डिस्टेंस फार्मूला, तो आंसर पहले लिख लेते हैं 3 4 3
3 9 - 9 + 36, इसका आंसर आ गया 7, है ना। मतलब अगर ये पॉइंट आ गया तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देंगे, बी वेक्टर क्या होगा, इस लाइन की इक्वेशन लिखी वेक्टर फॉर्म में, ए वेक्टर इसको माना होगा और बी वेक्टर इसको माना होगा, इस जो कार्टेशियन फॉर्म है कैसे निकाला, इसमें लाइन का इक्वेशन आपने निकाला तो उसका इस्तेमाल इसमें कैसे किया, प्लेन में, प्लेन तो कार्टेशियन फॉर्म में है, मालूम है तो साइन साइन लगा के, साइन लगा के ठीक है, तो नॉर्मल नॉर्मल के साथ एंगल निकाल दिया तुमने, ये एंगल आ गया, अब कॉस लगा दो, ठीक है। पर जो मैंने किया वो भी याद रखो, मतलब देखो तरीके सारे सही हैं लेकिन कम से कम अपना क्वेश्चन बने एग्जाम में, ऐसा सोचो, इसका थीम ही यही है इस क्वेश्चन का, एक और फटाक से करो, 3 मिनट है बस। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है ना, फाइंड ऑल्सो द डिस्टेंस, फाइंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम एल पैरेलल टू द प्लेन, करिए। तो अभी अपन ने क्या किया था, उस पॉइंट की डिस्टेंस निकाली थी प्लेन से लाइन के अलोंग, अब क्या करना है, उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है दी गई लाइन से पैरेलल टू प्लेन, पॉइंट जो मालूम है अपने को 10 - 3, उसका डिस्टेंस निकालना है जो लाइन गिवन है, इस पैरेलल टू प्लेन मेजर अलोंग द प्लेन, मतलब इस फिगर में अगर मैं बोलूं तो नहीं नहीं रुक जा, अभी नहीं समझा, ये प्लेन मैंने हॉरिजॉन्टल बनाया है ना, तो ये चाहिए तेरे ये मैंने ग्रीन कलर का बनाया है, समझो प्लेन के अलोंग लाइन डिस्टेंस, अब इस लाइन का इक्वेशन क्या है, यही तो है, मान लो इक्वल टू लैम्डा, बोलो पॉइंट, मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, 2 λ + 2 3 λ - 2 - 6 λ + 6, ठीक है। अब ये वेक्टर निकाल दोगे दोनों पॉइंट मान लो में, और ये वेक्टर क्या प्लेन के पैरेलल है, तो इसके नॉर्मल के लैम्डा आ गया, पॉइंट आ गया, डिस्टेंस आ गया, समझे। हमेशा लाइन जो मानते हैं उस पर पॉइंट लैम्डा लेके करने की कोशिश करोगे तो प्रश्न हमेशा आसान हो जाएगा, है ना, अदरवाइज डिफिकल्ट जाएगा, समझ गया तू, समझा जरा, ठीक है। तो आगे मैं बता दूंगा सर को, कंटिन्यू करेंगे कल वो और डिस्कशन वगैरह करेंगे, ठीक है। आइए लिखने का है, तुम तो ये चाहो कि पैदल जाएं सर, जा तो लखनऊ रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कुछ और करें, लखनऊ यूपी में तो है ना, वो बरेली में शायद, तो चलो तो बेटा ये लिख लो, है ना, जल्दी लिखो, 3 दिन है, 3 दिन में कॉम्प्लेक्स का बेसिक हो जाएगा, तो बेसिक अच्छे से समझ लेता हूँ, ठीक है।